दोस्तों अगर आप भी मिचेल स्टार्क, धोनी और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर बिकने वाले मिचेल स्टार्क ने 24 करोड़ 75 लाख मिलते ही ना अपने बयान में बाकियों को हराने पर खास तौर पर रोहित कोहली धोनी पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले दोस्तों अपने बयान में मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख में बिककर, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या मिचेल स्टार्क को धोनी रोहित कोहली से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, हाँ या ना, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों कहते हैं कि आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, ये तो हम सभी देख चुके हैं पिछले कई सालों में। लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन भी नहीं था, परंतु मेगा ऑक्शन में सबसे मेगा खिलाड़ियों को भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना कंगारुओं पर बरसाया गया। मान लीजिए कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद ना सारी फ्रेंचाइजी मन बनाकर आई थी कि कंगारुओं का नाम आएगा और उनकी बोली करोड़ों में ही लगेगी। चलिए ये तो पता था विनिंग टीम जो थी, लेकिन किसे पता था कि उनकी टीम के खिलाड़ी सबसे पहले तो पैट कमिंस 20 करोड़ से ज्यादा में बिकेंगे। लेकिन अब तो एक और नया बेंचमार्क सेट कर दिया है इसी टीम के एक और खौफनाक रफ्तार वाले गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने। भाई इनका अंदाज एग्रेसिव है, ये जबरदस्त गेंदबाज है हर कोई जानता है, लेकिन किसे पता था कि इनकी बोली कोई 15-20 करोड़ नहीं बल्कि 21-22 करोड़ से भी ऊपर जाएगी। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, आज तक ऑफिशियली रिकॉर्ड ऑन पेपर इतना पैसा ना तो रोहित को, ना ही विराट को, ना कोहली को, ना ही शुभमन गिल, ना और किसी बड़े खिलाड़ी को मिला है। मतलब कि किसी भारतीय को तो भूल ही जाइए, इनफैक्ट कोई फिरंगी खिलाड़ी भी मिचेल स्टार्क से अब कोसों दूर है। जहां पैट कमिंस इनकी टीम के कप्तान को 20 करोड़ से ज्यादा मिले, लेकिन इनको तो मिल गए पूरे 24 करोड़ 75 लाख। मानो कि कोलकाता और गुजरात की टीम में एक अलग ही इगोइस्टिक जंग छिड़ गई थी इन्हें खरीदने की। किसी ने भी अपने पर्स में पड़ी रकम की चिंता नहीं करी, इन पर अंधा बोली लगाई गई और फिर अंतिम पलों में ये 24 करोड़ 75 लाख में हो गए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में। दोस्तों वैसे कोलकाता की टीम का सिलेक्शन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इस बार गौतम गंभीर, और जैसे उन्होंने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा ना, और कोई दंग था उन्हें देखकर, लेकिन वो हंस रहे थे। खैर दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने आते ही बयान दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, वाकई में एक अविश्वसनीय लम्हा है, आईपीएल में भले ही मैं ज्यादा नहीं खेला लेकिन एक चीज जरूर पता है कि भारतीय सरजमीं पर कैसे खेलना है। वर्ल्ड कप से लेकर जितने भी घरेलू सीरीज हुई हैं हमने केवल अपने क्लास पर ध्यान दिया है और शायद इसीलिए हम वर्ल्ड कप में जीत भी पाए थे। केकेआर में आकर वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं इनकी मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से वाकिफ भी हूँ। हम वाकई में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेंगे और भले ही सामने रोहित, विराट और कोहली क्यों ना आ जाएं, इनकी टीम को भी खदेड़ कर रख देंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार के आईपीएल में ना विजयी और विजयी केवल कोलकाता की टीम की होगी। तो तैयार हो जाइए रोहित, विराट और धोनी, आप सबको अब हारना ही होगा क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। दोस्तों लगता है कि 24 करोड़ का बुखार चढ़ गया है अब मिचेल स्टार्क के सर पर। ठीक है कुछ दिनों तक रहेगा भी, लेकिन एक गेंदबाज के बल पर पूरी टीम नहीं जीतती ये हर कोई जानता है। फिर भी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, कुछ जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं मिल गया क्या मिचेल स्टार्क को, हाँ है ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हैदराबाद की मालकिन काव्या मरण की हरकतें देखकर ऑक्शन हॉल में बैठे सभी फ्रेंचाइजी टीम के मेंबर हंस पड़े। जब काव्या मरण ने अपना पूरा पैसा एक खिलाड़ी के ऊपर लुटा दिया, उनकी ये बड़ी बेवकूफी देखकर हर कोई आश्चर्य रह गया। तो आखिरकार क्यों बीच ऑक्शन में उड़ गया सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन का मजाक, क्यों लुटा दिया खिलाड़ी पर 20 करोड़ रुपए की रकम, कैसे अपनी बेवकूफी से काव्या मरण एक बार फिर से सभी के लिए मजाक बन गए, उस घटना का लाइव वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सनराइजर्स हैदराबाद को इतनी मोटी रकम लुटानी चाहिए थी पैट कमिंस पर या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। पूरे क्रिकेट जगत को किस चीज का बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। आईपीएल की शुरुआत तो अभी होने में कुछ महीने बाकी है, लेकिन अभी से आईपीएल का बुखार सभी को चढ़ गया है। आईपीएल ऑक्शन आज दुबई में हुआ, जिसको देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आईपीएल ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजियों ने जमकर खिलाड़ियों पर बोली लगाई और पैसे लुटाए। लेकिन वहीं आपको बता दें, इस ऑक्शन में आईपीएल का पूरा इतिहास पलट गया। आईपीएल 2024 में पूरे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी पैट कमिंस। जहां सभी खिलाड़ियों की बोली लग रही थी, उसके बाद जब बारी आई पैट कमिंस की तो उन्होंने अपना बेस प्राइस केवल 2 करोड़ रुपए रखा था, लेकिन उन्होंने उनसे सबसे पहले ही उनके लिए बोली लगाना चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन ने शुरू कर दिया। मगर बीच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई का साथ छोड़ दिया था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग का साथ बीच मैदान में आरसीबी आ गई और इन दोनों टीमों ने मिलकर टाइट कमेंट्स के लिए जमकर बोली लगाई और देखते ही देखते खिलाड़ी को 10 करोड़ तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस खिलाड़ी का पीछा नहीं छोड़ रही थी, वहीं चेन्नई सुपर किंग ने भी बीच में हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद कूद पड़ी और दोनों टीमों ने मिलकर इस खिलाड़ी को देखते ही देखते 15 करोड़ तक पहुंचा दिया, जिसे देखकर आईपीएल ऑक्शन हॉल में बैठे सभी फ्रेंचाइजी हैरान रह गए। लेकिन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर्स
हैदराबाद पैट कमिंस पर पैसे बरसाने के लिए पूरी तरीके से जान लगा रहे थे और देखते ही देखते खिलाड़ी 18 करोड़ तक पहुंच गया। इसके बाद भी दोनों टीमें पीछे नहीं हटी और पैट कमिंस के लिए लड़ाई लड़ते हुए 20 करोड़ तक पहुंच गए। इसके देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह खिलाड़ी पूरे आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद तो ऑक्शन हॉल में बैठे सभी फ्रेंचाइजी मेंबर काव्यामरण की हरकतों पर उनका मजाक उड़ा दिया, क्योंकि काव्यामरण ने पूरा पैसा एक ही खिड़की पर लुटा दिया और अपना पर्स खाली कर दिया। खुद काव्यामरण को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो भी अपनी हरकतों पर मुस्कुराने लगी और अपनी हंसी छुपा नहीं सकी। ऑक्शन हॉल में बैठे सभी सदस्य हंस रहे थे। पैट कमिंस अब तक के आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। 20 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम काव्यामरण ने लुटाकर हर किसी को हैरान कर दिया। अब तो पूरा हिंदुस्तान में हैदराबाद की मालकिन का मजाक बन रहा है। हर कोई इनकी हरकतों पर अपनी हंसी छुपा नहीं पा रहा। ये बेवकूफी कहीं या चालाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है हैदराबाद की मालकिन ने कुछ सोच समझ कर ही इतने पैसे लुटाए हो, मगर ऑक्शन हॉल पूरी तरह से पैट कमिंस के बिकते ही हंसी से गूंज गया। कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि पैट कमिंस को हैदराबाद ने इतनी भारी भरकम रकम कैसे दे दी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कमिंस को इतना बड़ा रकम देना हैदराबाद के लिए सही है या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हैदराबाद की मालकिन काव्यामरण ने एक बार फिर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी अपने खेमे में शामिल कर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। इसके बाद तो अब उन्होंने अपने इस फैसले पर सफाई देते हुए जो कुछ भी कहा है उनकी बातें सुनकर तो आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर पैट कमिंस को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाने पर क्या कुछ कहा काव्यामरण ने, क्यों उनका बयान देखते ही देखते सुर्खियों में छा गया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पैट कमिंस, धोनी और रोहित शर्मा में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्रिकेट का फीवर इंडिया में इतनी आसानी से कम होता कहां है? वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन अब बारी है टीम इंडिया के त्योहार की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। ट्रेड विंडो की समाप्ति के बाद आज दुबई में आईपीएल ऑक्शन का आयोजन किया गया। हालांकि यह मेगा नहीं बल्कि केवल एक मिनी ऑक्शन था, लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ी इस ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। सभी टीमों के पास भर भर कर रकम बची हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आज आईपीएल के 16 सालों का इतिहास टूटेगा और कोई खिलाड़ी इतिहास का सबसे महंगा आईपीएल खिलाड़ी बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान पैट कमिंस हैं, जिन्होंने भारत को उन्हीं की सरजमी पर हराकर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम देश को दिलवाया। 2 करोड़ का बेस प्राइस रखने वाले पैट कमिंस के लिए टीमों के बीच होड़ लग गई थी। सबसे पहले उन पर चेन्नई ने बोली लगाई थी। शुरुआत में तो चेन्नई और मुंबई के बीच तगड़ी जंग हुई। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनका रेट 7 करोड़ 60 लाख तक पहुंचा दिया था। हालांकि फिर मुंबई ने अपना नाम वापस लिया तो हैदराबाद और चेन्नई इस जंग में कूद पड़ी और उनका ये रेट बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ तो फिर 15 करोड़ पार कर गया। अंत में दोनों टीम हैदराबाद और बैंगलोर ने मिलकर पैट कमिंस का प्राइस 20 करोड़ तक पहुंचा दिया। यह देखकर तो हर कोई हैरान था, क्योंकि आज तक आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के कारण थे, लेकिन अब तो पैट कमिंस ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। सभी सोच रहे थे कि इस खिलाड़ी को और कितनी बड़ी कीमत मिलने वाली है, क्योंकि दोनों टीमें हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अंत में बैंगलोर की कमर टूट गई, उन्होंने अपना नाम इस बिडिंग वार से वापस लेना ही सही समझा और 20 करोड़ 50 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत पर हैदराबाद ने उन्हें बनाया। इसी के साथ पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, यानी कि 16 सालों के इतिहास में वो नहीं हुआ जो आईपीएल 17 के इस मिनी ऑक्शन में हो गया। काव्यामरण और हैदराबाद का ये फैसला देखकर तो हर कोई हैरान था, हर तरफ उनका मजाक बन रहा था। सभी सोच रहे थे कि पैट कमिंस को इतनी बड़ी कीमत देकर हैदराबाद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। फैंस तो अलग अलग तरह की बातें करने लगे थे, यहाँ तक कि वहां मौजूद सभी फ्रेंचाइजियों के मालिक भी हंस रहे थे कि काव्यामरण ने यह क्या कर दिया। लेकिन अब अपने इस फैसले पर काव्यामरण ने जो कहा उनकी बातें सुनकर तो हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, काव्यामरण का कहना है कि कमिंस वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, हम उन्हें अपने खेमे में शामिल करना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें इतनी बड़ी रकम दे दी। उससे हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, हमें लगता है कि वो हमें इससे भी बेहतर रिजल्ट दिलाकर देंगे। वेलकम कमिंस, हम आपको पाकर बहुत खुश हैं। ऑरेंज आर्मी में आपका अपनी टीम में स्वागत है और आपको इम्पोर्टेंट रोल दिया जाएगा और आप हैदराबाद का एक अहम हिस्सा बनेंगे। आपको इतनी बड़ी कीमत देने के पीछे हमने आपसे बहुत उम्मीद जताई है और पूरा मुझे भरोसा है कि हमें उसका रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि कमिंस जैसे खिलाड़ी को इतनी बड़ी कीमत देना कोई बेवकूफ़ी नहीं है। ये बात अलग है कि सभी को पता चल जाएगा हमने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया ताकि वो हमें आईपीएल ट्रॉफी दिला सकें। जी हाँ दोस्तों, काव्यामरण को पूरा भरोसा पैट कमिंस पर है। उनका कहना है कि कमिंस इस बार तो उन्हें आईपीएल चैंपियन तक बना देंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पैट कमिंस को इतनी बड़ी कीमत मिलनी चाहिए थी या नहीं? काव्यामरण के फैसले पर अब आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हैदराबाद की मालकिन काव्यामरण की हरकतें देखकर ऑक्शन हॉल में बैठे सभी फ्रेंचाइजी टीम के मेंबर हंस पड़े। जब काव्यामरण ने अपना पूरा पैसा एक खिलाड़ी के ऊपर लुटा दिया, उनकी ये बड़ी बेवकूफी देखकर हर कोई आश्चर्य रह गया।
तो आखिरकार क्यों बीच ऑक्शन में उड़ गया सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन का मजाक? क्यों लुटा दिया खिलाड़ी पर 20 करोड़ रुपए की रकम? कैसे अपनी बेवकूफी से काव्या मरण एक बार फिर से सभी के लिए मजाक बन गए, उस घटना का लाइव वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सनराइजर्स हैदराबाद को इतनी मोटी रकम लुटानी चाहिए थी पैट कमिंस पर या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। पूरे क्रिकेट जगत को किस चीज का बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। आईपीएल की शुरुआत तो अभी होने में कुछ महीने बाकी है, लेकिन अभी से आईपीएल का बुखार सभी को चढ़ गया है। आईपीएल ऑक्शन आज दुबई में हुआ, जिसको देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आईपीएल ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजियों ने जमकर खिलाड़ियों पर बोली लगाई और पैसे लुटाए।